सबसे पहली क्लास में हमने ये देखा था कि जो मशीनें होती हैं उनको कुछ हिदायत देने से वो काम करती हैं। अब हर मशीन जो है, कैलकुलेटर ले लीजिए आप, कोई की दबाएंगे तो इमीडिएटली उसका रिस्पांस आएगा, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है उसको हम लोगों पहले से हिदायत लिख के देनी पड़ती है, और जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं पहले लिखते हैं वो पूरे 4, 5, 10, 15, 50, 100 इंस्ट्रक्शंस जो भी हम लिखेंगे उसको मिला के प्रोग्राम बनता है। तो इस क्लास में हमें यह सीखना है कि कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम कैसे लिखे जाते हैं। अब वो कंप्यूटर को प्रोग्राम कैसे लिखते हैं समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे लिखनी है कि कैलकुलेशन कुछ करना है, तो उसके लिए हमने ये कहा था कि कंप्यूटर में क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो पहले जो हम आंकड़े लिखते हैं अपने कैलकुलेशन के लिए कागज़ पे, उस तरीके से आंकड़े उसको समझ में आने चाहिए। तो हम कैसे लिखते हैं, हमने देखा था कि हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखते हैं, 257 हुआ, -78 हुआ, 4.675 हुआ, इस तरह से अपन लिखते हैं कागज़ पे। तो उन आंकड़ों को समझने की क्षमता होनी चाहिए कंप्यूटर। उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि बहुत बड़ी वैल्यूज़ हो, जैसे 1400000, इतनी बड़ी संख्या है, या बहुत छोटी वैल्यू हो 0.00000356, तो इस प्रकार की वैल्यू लिखने का एक तरीका है साइंटिफिक नोटेशन में, उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन बोलते हैं। तो वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। 1.4e18 का मतलब हुआ 1.4 × 10⁻¹⁸। तो इसमें इस तरह के, इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं हर वैल्यू के, एक को बोलते हैं मैंटिसा और दूसरे को बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो हमें इस तरह के कुछ समझ चाहिए कंप्यूटर में कि हम इस नोटेशन में अगर कोई नंबर लिखे तो वो समझ सके उसको, और वो समझ के कहीं रख सके, उसके ऊपर कैलकुलेशन कर सके। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि कंप्यूटर जो है जोड़ गुणा भागाकार ये सब कर सके, जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम लोग करते हैं वो। इसके अलावा जब हम प्रोग्राम लिखेंगे कैलकुलेटर पे, तो हम जो वैल्यू कैलकुलेट करना है वो डायरेक्टली इनपुट करते हैं, लेकिन कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखेंगे वो कंप्यूटर पहले वो प्रोग्राम समझेगा, फिर उसको ट्रांसलेट करेगा अपनी भाषा में और फिर रन करेगा। तो वो जब रन करेगा तो उस समय हम कुछ वैल्यूज देना चाहेंगे इनपुट, तो वो इनपुट लेने की भी क्षमता होनी चाहिए उसमें, और फिर जो भी कैलकुलेशन करे उसके बाद जो रिजल्ट आए उसकी वैल्यू भी वो हमें वापस दे। तो बस इतनी तीन चीज़ें हम चाहते हैं कंप्यूटर से, कि एक तो हम प्रोग्राम में जो हिदायत लिखने का तरीका है वो हमें पक्का पता हो किस तरह से उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, और उसके बाद जब भी वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करे उस समय उसको इनपुट ले लेना चाहिए हमसे कुछ, तो भी जब हम बोलेंगे उसको तब उसको कुछ कैलकुलेशन करना चाहिए, और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो हमें वापस करना चाहिए। इसके लिए हमने एक सैम्पल प्रोग्राम लिखा था, वो सैम्पल प्रोग्राम 1, 2, 3, 4 ऐसी इंस्ट्रक्शंस लिखी थी। उसमें लिखा था हमने कि एक इंस्ट्रक्शन जैसे हमसे कोई एक वैल्यू ले लो, उसको कहीं तो भी स्टोर करके रख लो, उसको नाम दिया था हमने लोकेशन ए। उसी तरह दूसरा नंबर ले लो हमसे, उसको बी में रख लो, फिर उन दो नंबर का गुणाकार करो, और जो भी प्रोडक्ट निकलेगा उसको तीसरी जगह रख दो, और बाद में जो प्रोडक्ट कैलकुलेट किया आपने वो हमें वापस दे दो। ये चार हिदायतें हमने दी थी, इसको हमने कहा था प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम तो अपनी भाषा में लिख लिया हमने, तो कंप्यूटर की भाषा में किस तरह से लिखा जाए, इसके लिए हम चाहते थे कि कंप्यूटर का एक मॉडल बना दिया जाए अपने मन में कि किस तरह कंप्यूटर काम करता है, तो उस हिसाब से फिर उसकी इंस्ट्रक्शंस हम लिखना सीख लेंगे। तो पहले तो ये हम समझ लें कि जो कंप्यूटर होता है वो जो प्रोग्राम हम लिखते हैं इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा इमीजिएट, पहले उसको समझ लेगा सब इंस्ट्रक्शन, और वो इंस्ट्रक्शन समझने के बाद में वो प्रोग्राम बाद में मुझे एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए अभी क्या तैयारी करनी चाहिए वो तैयारी करके रखेगा। जैसे ये जो प्रोग्राम था 4 इंस्ट्रक्शन का, उसके लिए उसने क्या तैयारी करनी चाहिए कि भाई इसको हमने कहीं वैल्यूज लेनी है, स्टोर करनी है, कैलकुलेशन करना है, रिजल्ट रखना है, तो इसके लिए हमें कुछ लोकेशंस लगेंगे जहाँ हम नंबर्स रख सकें, तो उसके लिए वो ए, बी और पी नाम के 3 लोकेशन बना के रख दे। फिर बाद में जब वो एग्जीक्यूट करेगा तो उस समय जो हम इनपुट देंगे, पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगी एक मेरे से नंबर ले लो आप, तो जो मैं नंबर दूंगा 25 उसको ए में रखेगा, फिर नंबर दूंगा 2 उसको बी में रखेगा, और जब तीसरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा वो कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तो
तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो पी में रखेगा, तो यहाँ पे हमने लिखा है 50। यह हमारे समझने के लिए इस तरह से कंप्यूटर ने काम करना चाहिए। अब इसका मॉडल, ये तो मशीन है कंप्यूटर, तो मशीन किस तरह से काम करती है ज्यादा समझने के लिए हमने, ये तो आप समझ गए होंगे, प्रोग्राम मैंने जो लिखा था कि आप पूरा पढ़े बगैर उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करें तो कितना अनर्थ हो सकता है, तो ये यही समझाने के लिए था कि भाई कंप्यूटर पहले पूरा प्रोग्राम पढ़ेगा, उसके बगैर कुछ करेगा नहीं, समझेगा उसको, उसको मुताबिक जो भी लोकेशंस बनाने हैं बना के रख लेगा, फिर उसके बाद में वो एग्जीक्यूट करे। तो इसके लिए हमने जो प्रोग्राम पहले लिखा था सादी भाषा में लिखा था, अब इसको हम थोड़ा और रिफाइन कर रहे हैं, इस तरह से इंस्ट्रक्शन लिखने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से हम एक्चुअल लिखेंगे कंप्यूटर के लिए। तो वो कंप्यूटर का मॉडल बनाने के लिए हमने बुद्धूराम नाम के आदमी को पैदा किया, उसको बोला ये अपना कंप्यूटर है। हमने बोला कि वो बुद्धूराम कंप्यूटर खुद तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जो भी अपन हिदायत दे उसको पालन करता है बाकायदा। उसको हमने कहा कि भाई ये दिमाग में कुछ याद नहीं रख सकता, तो याद रखने के लिए उसको हमने एक स्टोरेज बना दिया, तो स्टोरेज के लिए हमने लोकेशन बना दिया, एक कपाट के दराज भरे भरे से हर दराज में वो एक वैल्यू रख सकता। अब चूंकि ये हम कंप्यूटर का मॉडल बना रहे हैं, इसलिए ये दराजों की कैरेक्टरिस्टिक जो है, डम्बों की कैरेक्टरिस्टिक जो है, वो बिल्कुल कंप्यूटर की तरह हम करना चाहते हैं। तो इसलिए हमने ये देखा कि भाई ये दराजों के क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या प्रॉपर्टी है इनकी। तो ये देखा हमने कि एक दराज में एक वैल्यू रख सकते हैं, नंबर भी रख सकते हैं, कोई स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स भी रख सकते हैं, कुछ तरह की वैल्यू रख सकते हैं। फिर हमने देखा कि हर लोकेशन में एक ही वैल्यू रहेगी, 2, 4, 5, 10 वैल्यूज नहीं रह सकती, एक ही वैल्यू रहेगी। जब हम इनपुट करेंगे या जब हम कोई कैलकुलेशन करके असाइन करेंगे तो नई वैल्यू जाएगी उस ड्रॉवर में, तो पुरानी अगर कोई वैल्यू होगी तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये समझना बहुत जरूरी है कि एक लोकेशन में एक ही वैल्यू रहेगी, और अगर दूसरी कोई वैल्यू उसमें लिखें हम, चाहे इनपुट लेके रखें लिखें, चाहे कैलकुलेशन करके लिखें, तो वो जब लिखेंगे तो पुरानी वैल्यू गायब हो जाएगी। ये मेमोरी की खासियत है, इसको समझना जरूरी। अब वो इनपुट आउटपुट कैसे करेगा, तो हमने एक ऐसा सोचा कि जैसे बस होती है, बस में आदमी यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो उस तरह से उसको एक हाथ गाड़ी ले ली और उस हाथ गाड़ी ढकेल के वो गाड़ी में अपना वैल्यू बाहर से अंदर ले आता है, अंदर से बाहर ले जाता है। करीब करीब इसी तरह का माहौल एक्चुअल कंप्यूटर में भी होता है, उसको हम लोग बस बोलते हैं, जैसा आपने बाद में देखा। अब उसके लिए इंस्ट्रक्शन कैसे लिखी जाए, तो हमने ये सोचा कि भाई डम्बो के लिए लिख देते इनपुट समथिंग, यानी इनपुट बी बोला तो जो वैल्यू लेगा वो बी में रखेगा, इनपुट एक्स बोला तो जो वैल्यू लेगा एक्स में रखे। उसी तरह से हमने कहा कि बाहर से कुछ वैल्यू लेना है तो उसको हम इंस्ट्रक्शन देंगे आउटपुट सम, तो आउटपुट सी बोला तो आउटपुट दे, सिंपल है इंस्ट्रक्शन, समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब अगर दो नंबर यहाँ पे रखे हुए हैं कहीं ए और बी में, ए में 35 है, बी में 12 है, हमें उसे हिदायत देनी है कि इन दोनों का जोड़ करके उसकी जो वैल्यू है वो सी में रखो, तो वो कैसे इंस्ट्रक्शन देंगे। तो हमने ये ईजाद किया था कि भाई हम ऐसा लिखेंगे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसमें ये ध्यान रखने की बात है, जो इक्वल टू सिंबल है वो कोई इक्वेशन नहीं है, वो इक्वल टू सिंबल को बोलते हैं असाइनमेंट, यानी एक तरह की इंस्ट्रक्शन है वो, कि भाई वो इक्वेशन करके इसे मत देखो, जब शुरू में आप इसको इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो राइट हैंड साइड पहले देखो, उसमें लिखा है ए प्लस बी, वो ए प्लस बी कैलकुलेट करो, एक वैल्यू आएगी कोई तो भी, और जो वैल्यू आएगी वो बाईं तरफ वाले लोकेशन में रख। तो जाहिर है कि बाईं तरफ एक ही लोकेशन का नाम होना चाहिए, 10-15 नाम तो हो नहीं सकते। जैसे हम इक्वेशन में लिखते हैं डी प्लस पी इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती कंप्यूटर, क्योंकि हम इक्वेशन नहीं दे रहे हैं उसको, इंस्ट्रक्शन हो सकती है क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और इसका मतलब है कि x प्लस वाई कैलकुलेट करो, जो भी एक वैल्यू आएगी उसको लेके क्यू में डालो। अब ये डम्बो करेगा कैसे कैलकुलेशन, मेमोरी में तो लोकेशन में वैल्यूज पड़ी हैं, तो हमने ये इजाद किया कि भाई उसके पास एक टेबल है, वहां पे कुछ तो भी एक नोटबुक रखी हुई है, तो जो भी अपन कैलकुलेशन करने को बोलते हैं जैसे ए प्लस बी, तो मेमोरी में से ए की वैल्यू उठा के रखेगा, बी की वैल्यू उठा के रखेगा, ऐड करेगा, और जो रिजल्ट है उसको टेबल पे पहले आएगा। इन टेबल को हमने बोला था कि ये टेबल पे जो भी कागज रखे उसको हम रजिस्टर बोलेंगे। ये नाम इसलिए दिया था कि एक्चुअल कंप्यूटर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है उसको रजिस्टर ही बोला जाता है, वो कंप्यूटर के प्रोसेसर की निजी मेमोरी होती है, मेन मेमोरी अलग है, ये मेमोरी अलग। उसके बाद हमने देखा है कैलकुलेशन करने के बाद ए और बी में तो वही वैल्यूज रहेंगी जो पुरानी है,
वो एक्सप्रेशन में वो वैल्यूज यूज हुई लेकिन वो मेमोरी में चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो नई वैल्यू कैलकुलेट हुई पी में वो जाके बैठ गई, ये हमने गलत लिखा था, ये सम नहीं होना चाहिए था यहां पर। आपको याद है हमने कहा था कि ये गलती हुई है, क्या होना चाहिए यहां पर? सी, क्योंकि इस लोकेशन का नाम हमने सी दिया था। अब उसको प्रोग्राम लिख के देना है, तो हमने प्रोग्रामिंग भाषा एक ईजाद करी थी उसके लिए, और उस भाषा में वो सेम मेमोरी यूज करके वही प्रोग्राम लिखेगा, ये भी हमने तय कर लिया, क्योंकि मेमोरी तो एक ही है, उसके पास ड्रॉवर्स हैं, तो ड्रॉवर्स कितने हैं इसके ऊपर लिमिट नहीं है, 100 ड्रॉवर्स होंगे, 1000 होंगे, 10,000, 1,00,000, जितने भी चाहिए, तो उसमें से कुछ ड्रॉवर्स जो है, कुछ लोकेशन जो है उसमें वो अपनी वैल्यूज रखेगा प्रोग्राम की, और कुछ और ड्रॉवर्स हैं उनमें वो प्रोग्राम ही खुद रखेगा, क्योंकि जब वो उसको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, भले उसने ट्रांसलेट कर लिया, तो ट्रांसलेट करने के बाद भी 30-40-50 इंस्ट्रक्शन उसकी भाषा में रहेंगे कहीं, उसे वो कहाँ रखेगा, तो उन्हीं ड्रॉवर्स में रख देगा कहीं और जगह पे, उस जगह को बोलेंगे हम इंस्ट्रक्शन स्पेस, कि अलग से उसने इंस्ट्रक्शन रख दिया, फिर वो एक एक वो ड्रॉवर खोल के एक एक इंस्ट्रक्शन पढ़ेगा और वैसे एग्जीक्यूट करेगा, दूसरी पढ़ेगा एग्जीक्यूट करेगा। तो ये डम्बो की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने इजाद की थी, अपन ने डिजाइन करी है, एक्चुअल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, चूंकि डम्बो अपन ने बनाया, हम इन लोगों ने कह दिया कि भाई उसको कुछ इनपुट करना तो इंस्ट्रक्शन देंगे इनपुट समथिंग, उसको बाहर कुछ वैल्यू लेनी तो उसको इंस्ट्रक्शन देंगे आउटपुट समथिंग, और कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए इस तरह से सी इक्वल टू ए प्लस बी लिखी, और इतने ऊपर हमने ये तय कर लिया कि अब हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकते हैं डम्बो के। लेकिन फिर हमने सोचा कि भाई प्रोग्राम लिखेंगे वो तो डम्बो एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन प्रोग्राम हम लिख रहे हैं तो हम ही उस प्रोग्राम को बाद में समझ के कुछ मॉडिफाई करना चाहे, या हमारा कोई दोस्त उस प्रोग्राम को यूज करना चाहे, तो मेरे दोस्त को या मुझे दो महीने बाद वो प्रोग्राम समझ में आना चाहिए खुद को, डम्बो तो समझ जाए, तो मुझे कैसे समझेगा अगर इस तरह की हिदायत क्रिप्टिक इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, तो मुझे समझने में शायद दिक्कत ना हो, तो इसलिए हमने कहा कि कुछ कमेंट्स लिखे जाने चाहिए हर प्रोग्राम, जो कमेंट्स है डम्बो का कोई वास्ता नहीं है, लेकिन आप और हम उन कमेंट्स को पढ़ के समझ सकें कि प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने एक तरीका इजाद किया था कि ऐसे कमेंट्स लिखेंगे हम कि डैश डैश स्लैश स्लैश करके कोई लाइन शुरू हुई तो मतलब वो जो लाइन में लिखा जाएगा वो केवल अंग्रेजी भाषा में हमारे आपके लिए होगा, डम्बो का उससे कोई सारोकार नहीं, और अगर कोई बड़ा कमेंट लिखना है 3-4 लाइन का, ज्यादा एक्सप्लेनेशन देना, तो उसको हम स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में एनक्लोज कर लें। इसके अलावा हमने एक और चीज कही थी कि वो प्रोग्राम में तो हमने कह दिया इनपुट है, कहीं 10-5 इंस्ट्रक्शन के बाद हम कहेंगे इनपुट एक्स, कहीं 20 इंस्ट्रक्शन के बाद करेंगे वाई इक्वल टू समथिंग। अब ये जो लोकेशंस हैं तो उसको एक ही जगह समझ में आ जाए कि भाई इस पूरे प्रोग्राम में इतने लोकेशन लगने हैं, तो इसके लिए हमने एक और इंस्ट्रक्शन ईजाद की थी और उसको हमने बोला था कि जितने भी लोकेशन हमें चाहिए उन लोकेशंस के नाम देके हम उसको एक अलग हिदायत दे देंगे कि भाई प्रोग्राम आप ट्रांसलेट करोगे और एग्जीक्यूट करोगे, लेकिन उसके पहले इतने लोकेशन हमें लगने वाले हैं वो अलग से ड्रावर के ऊपर नाम लिख दो। आपने देखा होगा डम्बो की मेमोरी हमने ABCDEF ऐसे सब नाम लिख दिए, वो ड्रावर्स में ऐसे नाम ऐसे पहले से नहीं होते मेमोरी में, मेमोरी खाली नंबर होती, पहली मेमोरी लोकेशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये जो नाम होते हैं ये हम प्रोग्राम में लिखते हैं, इस कारण ये नाम डम्बो उठा के वो ड्रावर पर चिपका देता कि भाई इस प्रोग्राम के लिए इस ड्रावर को हम बोलेंगे एक्स, उस ड्रावर को बोलेंगे बी, तीसरे ड्रावर को बोलेंगे पी, दूसरा किसी का प्रोग्राम आएगा उसमें MNO ऐसा कुछ लिखा होगा तो वो अपने वो नाम मिटा के उसके MNO ऐसे कर दे, तो वो करने में उसे दिक्कत ना हो इसलिए हमने एक इंस्ट्रक्शन और ईजाद की, उसमें लिखा इंटीजर लोकेशन ए, इसका मतलब ये जो ड्रावर्स होंगे इसमें इंटीजर वैल्यू पड़ी रहे, और ये करके हमने फिर एक प्रोग्राम बनाया। अब देखिए हमने खाली एक लेक्चर में एक कंप्यूटर का मॉडल दिमाग में बना लिया, डम्बो को पैदा कर लिया, उसको मेमोरी लोकेशन दे दी, उसको एक टेबल दे दिया वर्कबेंच काम करने के लिए, रजिस्टर दे दिए, और उसके लिए हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी डिफाइन कर, यानी कोई इतना कठिन काम नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा। हालांकि जब एक्चुअल कंप्यूटर पे जाएंगे और वो इतनी सारी चीजें कर सकता है, उसके लिए अलग अलग हिदायतें होंगी, इंस्ट्रक्शंस होंगे, वो हम पूरे कोर्स में समझेंगे धीरे,
लेकिन जो बेसिक कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी है जो कंप्यूटर की, वो इस डंबो मॉडल से समझ में आ जाती है। तो ये जो हमने प्रोग्राम लिखा था अभी कि दो नंबर्स ऐड करने का, इस प्रोग्राम को हम ठीक तरीके से लिखा है यहाँ पर, जिसमें देखिए शुरू में हमने दो कमेंट्स लिखे हैं। ये कमेंट्स डंबो के लिए कुछ मतलब नहीं रखते, लेकिन हमारे आपके लिए समझने के लिए। उसके बाद हमने एक इंस्ट्रक्शन दी है इंटीजर लोकेशंस ए बी सी, यानी इसका मतलब है कि जब आप इस प्रोग्राम को पढ़ के समझो पहले, उस समय तीन लोकेशन रिजर्व कर लेना, तीन ड्रावर रिजर्व कर ले। फिर उसके बाद में हमने आउटपुट इनपुट ऐसी इंस्ट्रक्शंस दी। एक ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन है आउटपुट की, जिसमें हम कोई वैल्यू नहीं ले रहे हैं उससे, लेकिन हम उसे कह रहे हैं कि भाई हमें एक मैसेज लिख के दे दो, ताकि हमें पता चले कि आपको क्या इनपुट चाहिए। तो इसलिए पहला मैसेज है गिव वैल्यू फॉर ए। ये जब मैसेज हमारे पास आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमें बाद में ये एक ही वैल्यू देनी, और इमीडिएटली इसके बाद हम इनपुट ए करके हिदायत देंगे उसे। अब आप सोचिए, ऐसा मैंने प्रोग्राम लिखा लेकिन इनपुट ए और इनपुट बी लिखा ही नहीं, तो क्या होगा? जैसे ये इंस्ट्रक्शन हमने नहीं दी, मान लीजिए ये जो इंस्ट्रक्शन है यह है नहीं प्रोग्राम में। अब आप बताइए प्रोग्राम कैसे चलेगा, यह क्या होगा? ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, डंबो को दे देंगे, क्या करेगा डंबो बोलिए? हाँ हाँ, और कोई जवाब? करीब करीब सही बताया इन्होंने, लेकिन फिर भी और सोचिए क्या होगा। उसने कंपाइल कर लिया प्रोग्राम, उसको बोला हमने तीन लोकेशन चाहिए, तो वो तीन लोकेशन तो बना देगा यहाँ पे, ठीक है, ए का, बी का और पी का। ये कंपाइलेशन करते समय लोकेशन बना दिया उसने पढ़ते समय। अब वो उसने ट्रांसलेट वगैरह कर लिया, अब वो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो एग्जीक्यूट करेगा तो सबसे पहले क्या क्या एग्जीक्यूट होगी इंस्ट्रक्शन? सबसे पहली इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होगी इसमें, आउटपुट गिव वैल्यू ऑफ ए, यानी एक मैसेज आ जाएगा उसके नकल गाड़ी में गिव वैल्यू ऑफ ए करके। तो हमने मान लीजिए अब यहां पे टाइप करी वैल्यू कुछ तो भी 50, तो क्या वो 50 वैल्यू लेगा? वो नहीं, क्योंकि उसके बाद इंस्ट्रक्शन ही नहीं है, इनपुट है। उसके बाद वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो पागल जैसा एक और मैसेज लेके आ जाएगा गिव वैल्यू फॉर बी। अब मैंने एक और वैल्यू टाइप करी, मैं तो यहां पर टाइप कर रहा हूं कंप्यूटर, लेकिन वो ले नहीं रहा है वो वैल्यू, क्योंकि उसको कोई हिदायत ही नहीं। तो वो दो मैसेज आ गए मेरे पास। अब वो एग्जीक्यूट करेगा ये असाइनमेंट ऑपरेशन सी इक्वल टू ए प्लस। इस असाइनमेंट ऑपरेशन की खासियत क्या है कि पहले तो राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन देखो, उसमें जो भी नाम दिए हैं उनकी वैल्यूज लो, उनको ऐड करो, ठीक है। तो क्या करेगा? ए और बी की वैल्यू ऐड करेगा। बस यहां आप गलती करेंगे, आपने कहा कि ए और बी में कुछ है ही नहीं, आपको ऐसा लगता है कि उसमें कुछ नहीं है क्योंकि आपने उसमें कुछ नहीं रखा है। लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है उसमें पहले, मान लीजिए परसों इन्होंने प्रोग्राम कोई रन किया और इसमें कोई तो भी वैल्यू है 3050 और इसमें वैल्यू है 23, अब इन वैल्यू से आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पड़ी है वहां पर। और डंबो तो डंबो है, बुद्धूराम है, उसको आपने ये थोड़ी कहा कि भाई हम वैल्यू नहीं देंगे तो कुछ मत करना, उसको तो आपने कहा ए और बी लोकेशन में जो भी है उसको उठाओ, उसको ऐड करो और सी में डाल दो। तो बाकायदा ये दो वैल्यू लेके जाएगा उसके वर्कबेंच पे, नोटबुक पे एडिशन करेगा, वैल्यू क्या आएगी उसकी 3073, तो वो 3073 यहां पे लिख देगा। और जब आप बोलेंगे वैल्यू इन लोकेशन सी इज, तो बाकायदा 3073 लेगा। अब आपने मान लीजिए 15 और 10 लिखे हैं तो 25 की जगह 3073 हो गया, आप तो बोलेंगे बुद्धू राम ट्रूली बुद्धू है, लेकिन वो बुद्धू नहीं है, उसने बराबर जो आपने कहा वो किया। तो इसलिए ये याद रखें कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बाकायदा सही होनी चाहिए। और इसके लिए जैसे अभी अपन ने क्या किया, ये गलत प्रोग्राम था लेकिन अपने को मालूम नहीं गलत है, तो अपन ने हाथ से एग्जीक्यूट किया उस प्रोग्राम, हर इंस्ट्रक्शन के बाद में डंबो क्या करेगा ये सोच के लिखा हो, और फिर अपने को पता चला कि अरे घपला हो गया है, यहाँ पे इनपुट इंस्ट्रक्शन रही। तो हो सकता है ऐसी गलती बड़े प्रोग्राम में भी हो, इसलिए एक आदत आप जरूर डालिए कि जब भी कोई प्रोग्राम लिखें तो टेस्ट केस करके अपने हाथ से एग्जीक्यूट कर लें उसको, एज इफ आप ही कंप्यूटर,
तो उसे पता चल जाएगा कोई इंस्ट्रक्शन कहीं छूट तो नहीं गई, कहीं गलत तो नहीं हुई, ठीक है। इसके बाद हमने उस प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई किया, उसमें हमने कहा कि भाई अलग अलग आउटपुट ए गिव इन वैल्यू फॉर ए गिव वैल्यू फॉर बी ऐसा लिखने के बजाय हम एक ही इंस्ट्रक्शन में लिख दें उसको, और इनपुट जो भी है वो ए बी दोनों इकट्ठा कर दें, तो ये कॉम्बिनेशन संभव है, ऐसा हमने नोट कर लिया। अब ये तो हुई बुद्धूराम की कथा, लेकिन सिमिलैरिटी वो बुद्धूराम में और कंप्यूटर में कितनी है ये दिखाने के लिए फिर हमने एक C++ भाषा में प्रोग्राम लिखा, जिस तरह के प्रोग्राम आप लिखने वाले हैं पूरे कोर्स में, और फिर उस प्रोग्राम का इस प्रोग्राम के साथ तुलना करी हम कि क्या कोई बहुत ज्यादा अलग चीजें हैं। ये वो प्रोग्राम, अब ये प्रोग्राम है, इसमें कुछ ग्रामर अलग है, लिखने के ढंग तरीके अलग हैं, लेकिन हमने देखा मोटी तौर पे ये प्रोग्राम भी वही इंस्ट्रक्शन देता है जो हमने बुद्धूराम को दी। तो सबसे पहले हम ये देखें कि कौन सी इंस्ट्रक्शन थी जो सिमिलर थी, तो हम ये देखते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शन है यहां पर, ये यहां से लेके ये इंस्ट्रक्शन जो है ये बिल्कुल सिमिलर लगती है उसकी, जैसे इंट ए बी सी, इसका मतलब इंटीजर लोकेशन 3 बना लो, सी आउट गिव 2 नंबर्स, यानी आउटपुट इंस्ट्रक्शन जैसी लगती। अब ये विचित्र तरीके से लिखा गया है सी आउट लेस लेस, ऐसा क्यों लिखते हैं पता नहीं, लेकिन C++ का कायदा ये है, उसकी भाषा में ये लिखा जाता है। सी इन ग्रेटर ग्रेटर ए ग्रेटर ग्रेटर बी, इसका मतलब है दो चीजें लो हमसे, दो वैल्यूज, एक ए की लो एक बी की लो। सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो बिल्कुल हमारे तरीके से लिखा। एक और फर्क है कि हर इंस्ट्रक्शन के बाद में यहां सेमीकोलन देना पड़ता है, तो वो C++ को जब तक हम सेमीकोलन नहीं दे तब तक ये पता नहीं चलता कि भाई आप एक इंस्ट्रक्शन खत्म कर दी दूसरी चालू कर। अब तक अपन हर इंस्ट्रक्शन अलग अलग लाइन पे लिखते आ रहे हैं, तो ऐसी अपनी सोच है कि भाई एक लाइन खत्म हो गई तो इंस्ट्रक्शन खत्म हो गई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक लाइन पे मैं 3-4 इंस्ट्रक्शन भी लिख सकता हूं, कागज में लिखता हूं तो लिखते ही हूं, या फिर एक ही इंस्ट्रक्शन 4-5 लाइन लंबी भी हो सकती है। तो इसके लिए एक उसका रूल है ग्रामर का कि सेमीकोलन लिखेंगे तो सेमीकोलन का मतलब पुरानी इंस्ट्रक्शन खत्म हो गई, इसके आगे जो भी होगी नई इंस्ट्रक्शन, उसको समझने में आसानी। अब ये प्रोग्राम तो हमें समझ में आ गया, लेकिन बाकी की लाइनें जो हैं C++ में वो अभी तक अपने समझ में नहीं आ, तो उसके लिए हमने देखा था ये पहले तो कमेंट है, कमेंट भी समझ में आ गए अपने, कमेंट अपन जैसे बुद्धूराम के लिए लिखे थे वैसे ही लिखे जाते हैं। बस खाली ये जो शुरू के दो लाइनें हैं हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम या यूजिंग नेम प्लेस एसटीडी, इसका मतलब अपने को समझ में नहीं, तो अपन ये कहा था कि इसका मतलब बाद में समझेंगे हम, चूंकि हर C++ प्रोग्राम में ये लाइनें जरूरी है इसलिए हम लिखते जाए, बस लिखते जाएंगे और कहीं तो भी समझ लेंगे, बस इतना जरूरी है कि भाई ये दो लाइनें नहीं हो तो प्रोग्राम अपना ठीक से उसके समझ में नहीं आएगा, वो चलेगा। तो हर प्रोग्राम में शुरू में ये दो लाइनें लिख दें। उसके बाद में ये इंट मेन ये वाला चीज अपने को समझ में नहीं आया, और रिटर्न जीरो ये वाला चीज समझ में नहीं आया, ये मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया इधर, 3 क्वेश्चन मार्क 4 क्वेश्चन, इसका क्या मतलब। तो फिर हमने जिस तरह से ये दो लाइनें के लिए सोचा था कि भाई अपने को अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन चलो C++ बोलता है लाइनें चाहिए तो हम लिख देंगे, उसी तरह से हम ये समझते हैं आज की तारीख में कि इंट मेन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और ये ब्रास, ये समहाउ ये प्रोग्राम की शुरुआत का तकाजा हमें लिखना चाहिए कि ये लिख दें तो इसके आगे जो भी है वो प्रोग्राम, और उसी तरह जब प्रोग्राम हमारा बंद हो जाएगा काम और नहीं करना तो रिटर्न जीरो लिख देंगे, इसका मतलब है घर जाओ। तो इस तरीके से मतलब एक दिमाग में सोच के हम फिर इस बात को ठान लेते हैं कि भाई प्रोग्राम तो हमारा यही लिखना है जो है, अब ठीक है ये जैसे वो दो लाइनें लिखी वैसे ये लाइन शुरू में लिख देते और वैसे रिटर्न जीरो एंड में लिख देते और ब्रास्ट, ऐसा करने से प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अब इतनी सिंपल चीज है C++ प्रोग्राम में, अगर इतना आपने समझ लिया तो आपको करीब करीब प्रोग्रामिंग करने का तरीका आ गया, और इंस्ट्रक्शंस होंगे उसमें उसे हम आगे देखेंगे, लेकिन प्रोग्रामिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जैसे यही है कि इस तरह से हम प्रोग्राम लिखेंगे। ये एक और प्रोग्राम हमने लिखा था, तो उसमें लिखा था कि भाई फेरनहाइट में टेम्परेचर डिग्री में डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है उसको फेरनहाइट में कैसे कन्वर्ट करें, तो उस कन्वर्शन के लिए हमने देखा कि जो फॉर्मूला होता है कि जो भी सेंटीग्रेड में दिया उसको 9/5 से गुणा करो और उसमें से 32 सबट्रैक्ट कर लो,
32 ऐड कर लो तो फेरनहाइट में आ जाएगा टेम्परेचर। तो इसमें अपन एक ही इनपुट देने वाला है कि भाई आज की टेम्परेचर की वैल्यू क्या है सेंटीग्रेड, और वो अपने को एक ही रिजल्ट देने वाला है कि फेरनहाइट में उसकी वैल्यू क्या है। तो इसके लिए उसको दो ही लोकेशन लगने हैं, एक एफ और एक सी, ऐसे हमने नाम दे दिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसमें खाली एक फर्क क्या था हमने कि यहां पे जो नाम दिए उसको इंट सी इंट एफ ना बोलते हुए फ्लोट सी और फ्लोट एफ बोल। अब ये फ्लोट क्या है ये हमें उस समय पता नहीं चला, लेकिन हमने ये सोच लिया कि भाई कुछ मतलब होगा इसका, और हमने ये मतलब सोचा कि भाई अगर हम इंट लिखते तो जो भी लोकेशन है उसमें खाली इंटीजर वैल्यू जाती, लेकिन टेम्परेचर तो कंटिन्यूअस वैल्यू है वेरिएबल। अब टेम्परेचर हम इनपुट देंगे 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, फेरनहाइट की कोई वैल्यू 73.281 भी हो सकती है, तो इसका मतलब कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी, और फ्रैक्शनल वैल्यू हैंडल करना है तो उसको इंटीजर तो हम नहीं बोल सकते, उसका दूसरा नाम हमें अभी तक पता नहीं है। तो हम ये सोच लेते हैं कि भैया फ्लोट मतलब उसका ये होगा कि जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको कम, और असल में वही मतलब है जो जैसा हम बाद में देखें कि 1.4e-7 ऐसा जब हम वैल्यू लिखते हैं, या 42.38 ऐसा जब वैल्यू लिखते हैं, तो वो इंटीजर नहीं होती, उसको इंटरनली स्टोर करने का एक अलग तरीका है जिसे फ्लोटिंग पॉइंट तरीका बोलते। तो कंप्यूटर को यह हिदायत देने के लिए कि भैया हमें जो इस समय जो लोकेशन चाहिए वो हमें फ्लोटिंग पॉइंट के लोकेशन चाहिए, इंटीजर के लोकेशन नहीं चाहिए, तो इसके लिए ये इंस्ट्रक्शन है फ्लोट करके फ्लोट सी फ्लोट एफ ऐसा लिख देने से वो इंस्ट्रक्शन। इसके बाद में हमने दूसरे लेक्चर में कुछ कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि रियल कंप्यूटर किस तरह से होता है, और उसके अलावा हमने एक और प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व किया। प्रॉब्लम याद है आपको क्या सॉल्व किया था कल अपन ने? वो टैंक्स थे, टैंक्स को पेंट करना था, तो पेंटिंग की कितनी कीमत आएगी ये निकालने के लिए हमने एक प्रोग्राम किया। लेकिन उसके पहले हमने कंप्यूटर के बारे में जो पढ़ा उसको थोड़ा संक्षिप्त में देख लेते। तो पहले तो हमने ये देखा कि जो भाई कंप्यूटर एक्चुअल होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बनता है, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतनी सारी अलग अलग स्टेट्स रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो आसानी से दो स्टेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक जीरो या एक वन, और चूंकि वो दो ही स्टेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसलिए कंप्यूटर का कारोबार जो है वो बाइनरी सिस्टम में चलेगा, वो डेसिमल सिस्टम में नहीं चल सकता। तो ये बाइनरी डिजिट जो होता है उसको बोलते हैं बिट, और हर बिट की वैल्यू हो सकती है जीरो या एक, दूसरी वैल्यू नहीं हो सकती एक बिट की। ऐसी कई बिट्स मिलके लोकेशन बनेगा। तो उसके लिए हमने ये देखा कि कंप्यूटर में जो लोकेशंस होते हैं वो उसकी मेमोरी होती है उसी तरह से जिस तरह से ड्रॉवर्स डंबो के थे, बस खाली फर्क ये है कि हर लोकेशन में बिट्स रहेंगे और जो बिट्स की वैल्यू होगी 0, 1, 1, 0, 1, 1 इस टाइप की कुछ होगी। अब कितनी बिट रहेगी एक लोकेशन में ये अभी अपने को पता नहीं, लेकिन ये मालूम है कि बिट्स रहेंगी और बाइनरी में कारोबार चले। उसके बाद हमने कंप्यूटर का आर्किटेक्चर देखा तो हमें पता चला कि भाई जिस तरह डंबो काम करता है करीब करीब उसी तरह से कंप्यूटर भी काम करता है। उसकी भी एक बस होती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ये सब, वो बस में जो है ये दो कनेक्ट रहते हैं, एक मेमोरी और एक प्रोसेसर, और जो भी कंप्यूटेशंस करना होता है ये प्रोसेसर मेमोरी से वैल्यूज उठा लेता है, कैलकुलेट कर लेता है अपने प्रोसेसर में, और प्रोसेसर में कैलकुलेट करके फिर रिटर्न वैल्यू जो है वो उसमें मेमोरी में रख देता है। तो ये बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जैसे डंबो वो कार्ट में वैल्यू यहाँ से वहाँ ले जाता है या अपने रजिस्टर में लेके कुछ कैलकुलेशन कर। इसके अलावा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो देखा अपन ने, तो इसमें यहाँ पे कंप्यूटर में जो है एक टर्मिनल, जैसे मेरे सामने टर्मिनल है उस तरह का टर्मिनल होगा, उसमें एक कीबोर्ड होगा, तो वो कीबोर्ड और टर्मिनल की सहायता से आप इनपुट देंगे या आउटपुट लेंगे। तो वो हमने यहाँ दिखाया है कि टर्मिनल जो है वो एक कोने में उसको उसी बस को चिपका पड़ा, तो जब भी कोई कंप्यूटर जो एग्जीक्यूट करेगा इनपुट इंस्ट्रक्शन तो
तो टर्मिनल पे जो भी हम वैल्यू टाइप करेंगे वो इनपुट ले लेगा और मेमोरी लोकेशन में रख देगा। उसके अलावा हमने यह देखा कि भाई जो कंप्यूटर की मेमोरी चूंकि डिजिटल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो शाम को अगर पावर ऑफ कर देंगे तो मेमोरी के कंटेंट्स चले जाएंगे। अगर हमें वही प्रोग्राम कल फिर से रन करना है तो कल आके फिर से हमें प्रोग्राम टाइप करना पड़ेगा, कल फिर से वैल्यू देनी। तो ऐसा ना हो इसके लिए एक डिस्क नाम का डिवाइस उसके पास रहता है और उस डिस्क में जो मैकेनिकल रहती है वैसे गोल गोल घूमती है। ग्रामोफोन रिकॉर्ड देखे आपने पुराने, आजकल तो ग्रामोफोन रिकॉर्ड होते नहीं, लेकिन वो डिस्क उस तरह की होती है, वो गोल घूमती रहती है, उसके ऊपर मैग्नेटिक कोटिंग रहता है और एक ऐसे ग्रामोफोन की सुई रहती है वैसा एक हेड रहता है। तो वो जो लिखता है या पढ़ता है तो वो हाथ से नहीं लिखता, वो मैग्नेटाइजेशन करता है, वो सरफेस के ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल का कोटिंग रहता है और नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसा उल्टा सुलटा करके। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल जिधर हैं उससे हम कह सकते हैं कि एक एक तरह से हो तो जीरो, दूसरे हो तो वन, इस तरह से वो रिकॉर्ड कर। लेकिन वो जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो सेमी परमानेंट होता है, मतलब एक बार आपने लिख दिया तो साल भर बाद भी आप देखोगे तो वो नॉर्थ साउथ वहीं रहेंगे। उसके बाद फिर से अगर आपने उसको मिटा के कुछ और साउथ नॉर्थ कर दिया उसके बाद वो रहेंगे। यानी इसको बोलते हैं परसिस्टेंट स्टोरेज। डिस्क पे लिखी हुई चीजें आज लिखी उसको पावर डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर भी आप कल उसमें से पढ़ो, परसों पढ़ो, नरसों पढ़ो, वो रहेंगे वहीं। परसिस्टेंट का मतलब है चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए वो वैल्यू वहीं की वहीं रहेगी। तो असल में दुनिया इधर की उधर हो जाए तो डिस्क भी चली जाएगी, लेकिन जब तक डिस्क है सलामत तब तक वो वैल्यू वहां रहेगी। तो इसलिए ये परसिस्टेंट स्टोरेज एक कंप्यूटर में रहता है। हमें अभी तक ये पता नहीं कि डिस्क का उपयोग किस तरह से करना है, उसमें किस तरह से हम प्रोग्राम स्टोर करेंगे, वैल्यू स्टोर करेंगे और कुछ कैसे स्टोर करेंगे। ये हम आज की क्लास में लैब के लिए देखने वाले हैं 10 बजे के बाद। लेकिन मूल जो हमने सोचा था कि भाई किस तरह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं, कंपाइल होते हैं, तो कंप्यूटर में क्या होता है पता चल गया। बस खाली इतना एक फर्क है कि बाइनरी सिस्टम यूज करता है, हम लोग डेसिमल सिस्टम यूज करते हैं। तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो इसके लिए हमने देखा कि भाई ये जो है ये बाइनरी और डेसिमल नंबर का रिलेशनशिप क्या है। तो बाइनरी में 0 1 करके लिखते हैं, डेसिमल में 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखते हैं। तो जैसे डेसिमल में वैल्यू 5 है तो बाइनरी में लिखी जाएगी 101, उसको 3 बिट लगेंगे। जिस तरह 5 6 7 8 9 के बाद की अगली वैल्यू लिखने के लिए हम 10 लिखते हैं यहाँ पे और 1 बढ़ा देते हैं बाई तरफ, तो 2 ही सिंबल होंगे। तो पहले हम 0 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे, बाइनरी में इसके आगे की वैल्यू लिखनी है तो कोई सिंबल नहीं है, तो यहाँ 0 करके बाकी में 1 कर। तो आप में से जिनको इंटरेस्ट है वो बाइनरी नंबर सिस्टम उसका कन्वर्शन वगैरह पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें उससे कोई इमीडिएट सारोकार नहीं। बस इतना समझ लेना जरूरी है कि भाई अपनी डेसिमल नंबर जो हम देंगे उसको किसी तरह वो बाइनरी में कन्वर्ट करके अंदर रखेगा, कैलकुलेशन जो है वो बाइनरी में करेगा और जब हम रिजल्ट मांगेंगे तो कुछ करके वो कन्वर्ट करके डेसिमल में हमको दे देगा। तो ये कंप्यूटर की कैपेबिलिटी है हम सोच लेते। लेकिन फिर भी ये जानना जरूरी है कि बाइनरी नंबर सिस्टम से कुछ फर्क पड़ता है। तो फर्क क्या पड़ता है इसके लिए हमने पहले तो अच्छा ये हमने कुछ नाम देखे। तो जैसे हम किलोग्राम बोलते हैं, किलोलीटर बोलते हैं, तो एक किलो शब्द होता है 1000 के लिए, मेगा शब्द होता है 1 मिलियन के लिए, यानी 1000 के। तो चूंकि 2 to the power 10 1024 है इसलिए उसको कंप्यूटर की भाषा में किलो बोलते और 1024 किलो को मेगा बोलते। तो आप देख लीजिए 2 to the power 20 जो है वो एग्जैक्टली 1 मिलियन नहीं है जो डेसिमल में, 1 मिलियन यानी बाकायदा 1 के ऊपर 0000010 to the power 6 इज कॉल्ड 1 मिलियन। लेकिन उसको मेगा या मिलियन बोलने का प्रघात है क्योंकि वो वैल्यू बिल्कुल क्लोज है 1 मिलियन, एक्चुअल वैल्यू है 1024 into 1020। इस तरह से किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा ये नाम है, ये आप सुनते रहेंगे अक्सर, यूज करेंगे आगे, तो इसके लिए ये नाम लिख दिए थे। लेकिन मुख्य प्रश्न जो है कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम से हम पे क्या फर्क पड़ता है। तो हमने थोड़ा देखने की कोशिश की कि बाइनरी में नंबर रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या असर पड़ेगा हमारे। तो हमने देखा कि अगर मान लीजिए लोकेशन 8 बिट का बनता है, यानी उसमें उसको बोलते हैं 1 बाइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है। जैसे दूध लेते समय हम लीटर में लेते हैं, ये सब्जी लेते समय हम किलो में लेते हैं, तो वैसे मेमोरी लेते समय हम बाइट में लेते। तो 1 बाइट जो होती है वो 8 बिट की मिलकर बनती है। तो मान लीजिए एक लोकेशन में अगर 1 बाइट ही है यानी 8 ही बिट है तो कितनी वैल्यू हम रख सकते हैं उसमें। तो हमने सोचा कि भाई अगर 1 बाइट पूरे 8 के 8 बिट हम इस्तेमाल करें तो जो कम से कम छोटी से छोटी वैल्यू है उसमें सब 0 होंगे,
और बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होगी जिसमें सब वन है। जैसे चार डिजिट का डेसिमल नंबर लिखना है आपको, तो छोटा से छोटा होगा 0000, बड़ा से बड़ा होगा 999, उससे बड़ा नंबर नहीं लिख सकते। यानी टोटल 10,000 वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप चार डिजिट डेसिमल से, 0 से 999। उसी तरह बाइनरी में आप 0000000 से 1111111 तक रिप्रेजेंट कर। अब ये 1111111 जो बाइनरी में है उसका डेसिमल इक्वेलेंट बनता है 255, उसकी वैल्यू रहती है 2^8-1। अब आप सोचिए कि आप इतना बड़ा कंप्यूटर डिजिटल सर्किट्स वगैरह बनाए तो बोले वैल्यू आप कितनी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बोले 0 और 255 के बीच। उतनी वैल्यू अगर मैं ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर सकूं मेरा कोई काम नहीं बनेगा। एक वैल्यू है 202, दूसरी वैल्यू है 212, दोनों वैल्यू मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि 202 लोकेशन ए में रखो, 212 लोकेशन बी में रखो और उसका जोड़ करके मुझे बता दो क्या होगा जोड़, 202 और 212 कायदे से बनते हैं 414, लेकिन 414 कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं, तो क्या करेगा कंप्यूटर आपको लगता है ऐसी हालत में? हाँ बोलिए। हाँ ये वो ये कह रहे हैं कि वो बाइट को बढ़ा देगा, मतलब ये एक बाइट है, सॉरी ये एक बाइट है, इसमें तो वैल्यू 414 आएगी नहीं क्योंकि 255 वैल्यू आती है मैक्सिमम, तो बाइट को बढ़ा देगा, तो इसका मतलब वो 414 सही कैलकुलेट कर लेगा। तो इसका मतलब अगर हमने आउटपुट सी बोला तो उसको वो वैल्यू दे देनी चाहिए सही वैल्यू। नहीं नहीं एक एक बाइट को जोड़ जोड़ के क्या वो कंप्यूटर अपने आप करेगा ये सवाल। हमने इंस्ट्रक्शन में ये लिखा है कि दो लोकेशन यूज करो ए और बी, ए में वैल्यू थी, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, ये ए है इसमें वैल्यू थी 212 या 202 और बी में वैल्यू थी 214। हमने उसको इंस्ट्रक्शन बाकायदा जिस प्रकार हमने प्रोग्राम लिखे हैं वहां पे भी लिखा था हमने इंट ए बी सी, तो उसने ये ए और बी बना दिया और एक लोकेशन सी भी बना दिया। अब हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए एक बाइट का ही लोकेशन है, तो हमने जब इनपुट दिया ए के लिए तो 202 वैल्यू दी, इनपुट दिया बी के लिए तो 214 वैल्यू दी, सॉरी 212 बोला था अपन ने, 212 वैल्यू दी। अब तीसरी इंस्ट्रक्शन है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सवाल यह है कि वो कंप्यूटर इस समय क्या करेगा, वो 202 लेगा 212 लेगा उसको ऐड करेगा उसकी वैल्यू आई 414। नहीं नहीं ये तो बाइनरी है, समझ लीजिए बाइनरी मैं लिख रहा हूं, ये बाइनरी है तो 202 बाइनरी हो गया, 212 बाइनरी हो गया। अब ये 414 जो उसका उत्तर आया है वो मैंने अपने फायदे के लिए 414 लिखा लेकिन वो बाइनरी होगा। अब वो वैल्यू तो आ गई लेकिन वो सी में रखेगा कैसे? तो जैसे आपने कहा कि वो बाइट को बढ़ा देगा, कैसे बढ़ाएगा अभी अपने आप, जो हमने कहा कि लोकेशन ए बी सी और उसके लोकेशन का मतलब है एक बाइट, तो बाइट को अपने आप तो नहीं बढ़ा सकते, वो डम्बो है ये मत भूलिए, वो भले कितना कैलकुलेशन ठीक कर ले फास्ट कर ले लेकिन वो अपने मन से कुछ नहीं कर। अगर उसके पास लोकेशन एक बाइट का ही है तो एक एक बाइट ही रखेगा, तो जो वैल्यू यहां जाएगी वो एक ही बाइट जाएगी, तो क्या होगा आपको पता है? वो कैलकुलेशन प्रोसेसर में जो करेगा वो तो बराबर 414 करेक्ट निकालेगा। अब मान लीजिए 414 का जो है 414 8 बिट में तो बैठने वाला नहीं है, 9 बिट में बैठ जाएगा, 9 बिट में मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 8 बिट में 2^8-1, 9 बिट में 2^9-1। यानी अगर 255 लार्जेस्ट वैल्यू है 256-1, तो 9 बिट में 512-1 इतनी वैल्यू होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू 511 हो सकती है अगर 9 बिट का रिप्रेजेंटेशन करें तो 9 बिट में तो वैल्यू आ जाएगी, तो उसका उत्तर जो होगा असल में 9 बिट का होगा। उसमें ये जो 9वीं बिट है ये 1 होगी, फिर उसके बाद 0100 समथिंग समथिंग ऐसा कुछ आएगा उसको।
अब वो क्या करेगा, लंबो है वो, देखिए वो ये 9 बाइट रखेगा, बोलेगा अरे हमारा लोकेशन जो आपने बताया वो तो 1 बाइट का है, तो आखिरी के 8 बिट जो है वो इसमें रख देगा, ऊपर वाली बिट छोड़ देगा, वो आखिरी के 8 बिट जो है उसका कोई और ही मतलब निकलेगा। तो उसको अगर आप आउटपुट सी बोलेंगे तो उत्तर जो आएगा वो 202 और 212 से कम आएगा, यानी गलत उत्तर आएगा। और आप सोचते रहेंगे कंप्यूटर गलत काम कर रहा है, कंप्यूटर गलत काम नहीं कर रहा है, आपने गलत काम किया, आपने इस बात को ध्यान नहीं दिया कि आपकी जो वैल्यूज हैं और जो आपके उत्तर आने वाले हैं वो सब उस कैपेसिटी में आने चाहिए, वो अगर नहीं आते तो जवाबदारी आपकी है कंप्यूटर की नहीं। इसके लिए कंप्यूटर जो है वो दूसरे काम करता है, वो अपने को ये पॉसिबिलिटी देता है कि भाई 1 बाइट तो बहुत छोटा नंबर है, चलेगा नहीं, तो आप जो लोकेशन है वो ज्यादा बाइट से बना सकते हैं, 2 बाइट से बना सकते हैं, 10 o'clock, वेट फॉर 5-7 minutes। सो इसके लिए एक 2 बाइट का या 4 बाइट का लोकेशन आप बना सकते हैं। तो जो एक्चुअल C++ प्रोग्राम होते हैं वो इस तरह से ज्यादा बाइट्स का लोकेशन बना के उसमें काम करें। तो जब C++ प्रोग्राम में हम इंट ए बोलते हैं तो 1 बाइट नहीं देता उसको, वो बाइट डिफॉल्ट 4 बाइट देता है या कभी 2 बाइट देता है, वो C++ कंपाइलर के ऊपर निर्भर है। उसी तरह जब फ्लोट बोलते हैं तो 1 बाइट नहीं देता है, वो 4 बाइट देता है, और उन 4 बाइट में कुछ बिट्स जो हैं ये कुछ हमने रिप्रेजेंटेशन डिस्कस किए थे, ये हमारे कोर्स के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने कहा था कि जैसे आपको अगर इंटरेस्ट हो तो आप देख लें, कोर्स के लिए खाली इतना जानना जरूरी है कि जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में एक मैंटीसा होता है, एक एक्सपोनेंट होता है, और वो दोनों बाइनरी नंबर रहेंगे, उसमें कुछ 32 बिट का अगर नंबर होगा, 4 बाइट का लोकेशन होगा, तो 24 बिट में मैंटीसा फिट होगा, 8 बिट में एक्सपोनेंट फिट होगा, और ये सब वो अपने आप करेंगे। इसके अलावा जो हमने महत्वपूर्ण चीज और देखी थी कि हम जो लिखते हैं प्रोग्राम वो तो इंग्लिश अल्फाबेट में लिखते हैं, सी इन ग्रेटर ग्रेटर समथिंग, वो प्रोग्राम कंप्यूटर कैसे पढ़ेगा? तो कंप्यूटर पढ़ने के लिए उसके लिए एक और इजाद की थी स्कीम, इंसानों ने की लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इंप्लीमेंट कर दी, कि जो सिंबल होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए 1 बाइट का कोड बनाए, उस कोड को बोलते हैं ASCII कोड। तो ये डेसिमल वैल्यूज कुछ लिखी थी, उसके अगेंस्ट जो सिंबल्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जब हम कीबोर्ड पे प्रोग्राम लिखेंगे या कीबोर्ड पे हम कुछ इनपुट देंगे, हम इनपुट देंगे जैसे मान लीजिए 212 ये इनपुट वैल्यू दी, तो हम लिखते क्या है, 212, यानी 3 अक्षर लिखे हमने, तो एक्चुअली अपने टर्मिनल से जो कंप्यूटर की तरफ जो जाएंगे वो 3 अक्षर जाएंगे, तो 2 का कोड जाएगा, 1 का कोड जाएगा, फिर दूसरे 2 का कोड जाएगा। अब ये 3 अक्षरों के कोड से उसको 212 नंबर बाइनरी में बनाना, ये वो काम अपने आप। और इसी तरह जब हम आउटपुट डालेंगे तो वैल्यू इंटरनली बाइनरी में रहे, उसको सिंबल में कन्वर्ट करके उस सिंबल की स्ट्रीम हमारे पास भेजेगा, और ये जो पॉसिबिलिटी है ये इसके कारण होती है कि सिंबल्स के लिए कोड है अलग अलग। अब मैं ये प्रोग्राम आपको याद है अपन ने डिस्कस किया था, इसमें अपन ने ख्याल रखने लायक चीज़ें ये है कि कोई भी प्रॉब्लम आता है तो इमीडिएटली प्रोग्राम लिखना शुरू नहीं करना, वो प्रॉब्लम पहले समझना, उसको क्या कैलकुलेशन उस प्रॉब्लम के लिए ज़रूरी है ये समझना, उस चीज़ को बोलते हैं एनालिसिस। ये प्रॉब्लम दिया कि भाई ऐसे टैंक है उसका पेंटिंग का कॉस्ट निकालो, तो एनालिसिस में हमने देखा कि भाई उसकी अगर हाइट h है और रेडियस r है तो 2 सरफेस एरिया हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा प्राइस से, तो उससे अपने कॉस्ट आएगी। फिर इसके लिए हमने कुछ तो भी डिज़ाइन किया एल्गोरिथम के, भी हम जो प्रोग्राम लिखेंगे उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत, तो इसमें अपने को रेडियस चाहिए, हाइट चाहिए, उसके लिए कुछ नाम चाहिए, तो हमने नाम तय कर लिया, एक आर बोलेंगे, एक एच बोलेंगे, पाए अपने को लगता है पाए तो कॉन्स्टेंट है अपने आप के लिए, लेकिन कंप्यूटर को कुछ पता नहीं, तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल एक नाम ले दिया PI, तो PI में हम वो वैल्यू रख देंगे। उसी तरह सब नाम डिसाइड करने के बाद में फिर हमने बोला कि एल्गोरिथम क्या होगा, तो एल्गोरिथम ये होगा कि भैया पहले जो इनपुट वैल्यूज हैं आर एच नंबर ऑफ टैंक्स वगैरह वो पढ़ लो, उसके बाद वो कैलकुलेशन करो एरिया का और प्राइस का मल्टीप्लाई करके, और जो कॉस्ट है उसका आउटपुट करो। सिंपल सा एल्गोरिथम है जो हमने पहले प्रोग्राम लिखे उसी तरीके का है, और ये पूरा प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में हमने फिर से एक बार जाना कि भाई शुरू में
कुछ कमेंट्स लिखना जरूरी है, जैसे लिख दिया मीनिंग हो अपने को समझे क्या हो रहा है। उसके बाद वो जो दो लाइनें कंपलसरी लिखना है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। फिर उसके बाद हमने ये देखना है यहाँ पे भी इंट मेन है और नीचे रिटर्न जीरो और क्लोजिंग ब्रास है, ये कंपलसरी है करके हमने समझ के लिख दिया। बीच में जो प्रोग्राम है वो समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं, इसमें फ्लोट आर एच इंट एंड टैंक्स फ्लोट कॉस्ट, यानी अपन ये हिदायत दे रहे सी प्लस प्लस को कि इतने लोकेशन बना के रख लो। उसमें एक और हिदायत शामिल कर ली हमने कि पाई इक्वल टू 3.1459, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। यानी न केवल जब आप प्रोग्राम पढ़ के समझोगे उस समय न केवल पाई के लिए एक लोकेशन फिक्स कर दो, उस लोकेशन में ये वैल्यू भी रख दो इनिशियल, ताकि अलग से असाइनमेंट न करना पड़े उसको। फिर उसके बाद जो कंप्यूटेशंस हैं, आउटपुट इनपुट इंस्ट्रक्शंस और कैलकुलेशन इंस्ट्रक्शन, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं समझ, बस प्रोग्रामिंग मेनली इतना ही। और विल वेट फॉर 5 more minutes, कोई इसमें कोई अगर आपको दिक्कत हो या कोई सवाल हो तो पूछे, क्योंकि ये प्रोग्राम लैब में कैसे एग्जीक्यूट करना है तो हम अगले क्लास में देखने वाले हैं। हाँ पूछिए। हाँ नहीं कुछ नहीं, वो अपन जो भी दिखेंगे 0.03E5 ऐसा हमने लिखा या E-10 ऐसा कुछ लिखा, तो ये जो सिंबल्स हैं वो लेके जाएगा अंदर और जो कन्वर्ट करेगा उस समय कन्वर्ट करते टाइम अप्रोप्रिएटली जो बिल्कुल सही मैंटेसा होना चाहिए वो लिख देगा उधर, और सही एक्सपोनेंट होना चाहिए वो लिख देगा, चेंज कर देगा। तो उसको पहले वो 0.35 × 10⁻⁻⁶ जो भी हो सही करेगा, फिर वो 3.5 लिखेगा मैंटेसा में और एक्सपोनेंट में। हाँ बिल्कुल, सही करने का काम उसी का नहीं है, नॉर्मलाइज करने का काम उसका, इस चीज को बोलते हैं नॉर्मलाइज। अब एक उदाहरण देता हूं, आपने लिखा 0.0035 E-7, तो वो तो 0.35 करेगा, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके लिख देगा, वो वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए आपने इनपुट दिया 0.00356789123456 और ई कुछ तो भी, अब इतना प्रिसीजन तो उसके पास है नहीं मैंटिसा में, तो वो नॉर्मलाइज तो करेगा, वो 0.00 को वो पॉइंट उधर शिफ्ट कर देगा, लेकिन जो वैल्यू जो आपने बड़ी दी है उतनी नहीं रख सकता, तो वो ट्रंकेट कर देगा, जितनी बिट्स में आ सकती है मैंटिसा उतना ही रखेगा वो, लेकिन ये काम वो करेगा। चलो थैंक यू।